भाई मुझे पता नहीं था, तो इतनी बड़ी बात हम लोग से छुपा रहे। मुझे भी नहीं पता था दोनों और ऐसा करेंगे। दोनों ये देखो कैसा बैठे और कैसा हंस रहा है, देखो बेशरम। शरम तो है ही नहीं, ये सरप्राइज वाली बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गलत किए तुम दोनों ने, बहुत गलत किया, बताना चाहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। गाइस अगर आपको भी देखना है कौन सी बात है तो फोकट के चैनल तो 8 बजे आएगा गाइस, 8 बजे। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। हो गए हैं नेक्स्ट डे गाइज। तो गाइज जैसे कि आप लोग ने मेरी वीडियो देख चुके हो, ये वाली प्रेगनेंसी वाली, और बहुत आप लोगों ने प्यार किया, बहुत प्यार किया गाइज उन वो वीडियो को, तो उसका मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। बिकॉज वो वाली वीडियो में कुछ चीजें छूट गई थी जो मैं आप लोग के साथ में बोली थी, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, वो मेरी सोनोग्राफी वाली क्लिप। सो गाइज वो क्लिप मुझे मिल गई है, भाई ने मुझे परसों कुछ दिया है भाई ने मुझे। सो गाइज वो देख के मुझे ना वो मेरे दिन, वो 9 मंथ वाली, वो जब मैंने सोनोग्राफी कराई हूँ ना गाइज, वो वाले दिन मुझे याद आ गए हैं। वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना गाइज, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग को भी उतनी, जैसे मैं वो चीज जी चुकी हूँ ना, तो वो चीज आप लोग ये वीडियो में मेरी तरह आप लोग मजा लोगे। बिकॉज वो क्लिप ना बनाया था, तो गाइज वो फाइनली मुझे वो क्लिप मिल चुकी है और मैं आप लोग के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। गाइज आप लोग एक्साइटेड हो क्या? नहीं गाइज देख के, और आप लोगों को कैसी लगी है वो क्लिप तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करो। और गाइज बहुत सारी चीज हुई है, पहले आप लोग ये वीडियो देख लो गाइज, उसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू कर। दिल की धड़कन, बच्चे का पेट, मंडे, घुटना, पैर के तल में, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, हाथों के पंजे दिख रहे हैं, अंगूठा, चार उंगलियां, रिस्ट है, हाथ और पीछे ले रखे हैं। और फिर गाइस जब हमारी वो सोनोग्राफी हुई थी ना, वो जो मेरी फीलिंग थी ना, मैं आप लोग के साथ में शेयर, मतलब वर्ड्सों में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लफ्जों में, सॉरी, देखे देख रहे हैं ना गाइस, लफ्जों को वर्ड्सों, ठीक है दोनों एक ही है, आप लोग समझ गए ना, बस उदापी भी समझ गई ना उदापी, हाँ। सो गाइज लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं आप लोग से, कि वो देख के आप लोगों को मालूम है, जब मेरे हाथ में वो क्लिप आई ना, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है देख के, मुस्तजाब के हाथ दिख रहे हैं उसमें, पैर दिख रहे हैं उसमें, सब चीज आप लोग ने तो देखी ही होगी कैसी लग रही है। सो गाइज मुझे तो बहुत वो फीलिंग वापस से मेरी आ गई कि अरे यार वो टाइम मेरा कितना अच्छा था। सो जो जो मदर्स हो गए वो लोग को पता ही होगा कि वो जो 9 मंथ की जर्नी होती है वो अमेजिंग होती है गाइज, अमेजिंग। और गाइज मेरे को मतलब ब्लॉग में भी ये कमेंट आया था कि मुझे बेबी नहीं हुआ है, एक दो कमेंट मेरे ऐसे थे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जल्दी से बेबी हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आप लोगों को भी बेबी हो जाएगा, और मैं भी आप लोग के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे। क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जबान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है नहीं पता। सो गाइज मैं वर्ड नहीं है। और गाइज मैंने आपसे ये शेयर करना तो भूल ही गई थी वो पिछले व्लॉग्स में, कि जब मैं डिलीवरी पेन में थी और मैं अंदर ओटी में थी गाइज, तो ऐसा हुआ ना मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था गाइज, और मैं एकदम पागल हो गई थी, तो उस पे हुआ ये, मैं बेड से ना बार बार नीचे उतर जा रही थी। ये चीज मैंने आप लोग के साथ में शेयर नहीं करी क्योंकि मैं भूल गई थी, और जब वीडियो मेरी बन गई तब मुझे याद आया यार मैं तो आपसे ये शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। और उस टाइम पे ये हुआ ना कि अरे लाओ, ये चीज मैं उदापी के साथ में शेयर करूंगी तो उदापी यहाँ पे बैठी हुई है गाइज। और ये हुआ ना, मैं उससे उतर के नीचे ना छोटा स्टूल रखा हुआ था, तो उस पे चढ़ी और एकदम कॉर्नर पे थी गाइज मैं उसके, और फिर ये हुआ कि उदापी मेरे को लेके चल, यहाँ पे कुछ नहीं होएगा, और डायरेक्ट मैं ना स्लिप हो गई, तो वो जो स्टील का स्टूल था ना उदापी के ना पैर पे, तो उदापी बोली सॉरी उदापी गलती से हो गया, तेको नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ हो रही, कितना दर्द हो रहा है, तू नहीं समझ पाएगी उदापी मेरे को लेके चल। उदापी तेरा वो एक्सपीरियंस कैसा, तो तू बता अब मैं क्या
एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ठीक ही था, मतलब इसके साथ पूरा टाइम वहां पर मैं ही थी, तो मुझे मतलब समझ में आ रहा था कि पेन इसको हो रहा था और पेन मुझे भी हो रहा था। अच्छा वो तू क्यों रो रही थी जब मैं अंदर, मतलब मेरी डिलीवरी का प्रोसेस चालू था तो उधर भी तू क्यों रो रही थी? क्योंकि इसको तुझे कैसा था, एक कट भी इसको कभी होता था ना तो ये बहुत रोती थी, और जब डिलीवरी का पेन इसको जो हो रहा था ना तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एक कट तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। गाइज मैं अंदर पेन में हूँ, मेरी डिलीवरी मतलब हो ही रही थी उस दौरान, मेरी आवाज पूरी हॉस्पिटल में गूंज रही थी, हॉस्पिटल के बाहर तक। तो उसके इसके बाजू में ये रो रही थी ना, इसके बाजू में कंटी आके बैठ गई, बैठे थे ओ नो, मुझे पूछे थे नहीं हो जाएगा टेंशन मत लो, दो दिन से दर्द में। तो ये आंटी को बताते बैठी थी गाइस, आंटी इसको इतना सा भी कट जाता ना तो इतना दर्द होता है, तकलीफ होती। अरे बाप रे, तो मेरे को बुरा लग रहा था, मेरे को रोना आ रहा था, तू इतना रो रही थी तो फिर मेरे को रोना, मैं रोती तो तेरे को रोना नहीं आता क्या? आता है लेकिन कैसा होता है गाइस के ये आंटी को वो अजनबी है, वो लेकिन फिर भी मैंने तो आराम से बोली। So, नहीं कैसा था ना वहाँ पे ना, जेंट्स अलाउड नहीं थे तो भाई लोग वहाँ पे थे नहीं, भाई लोग वैसे भी नहीं थे, सुबह सुबह आ सकते थे, कब से मैं कॉल करी थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो कोई नहीं आया, तेरी डिलीवरी के बाद मेरी डिलीवरी के बाद में कॉल क्या बोले पता है, मैं बोली ना मम्मी लड़का हुआ, अरे मम्मी अरे क्यों लड़का हुआ, सच अपरेश बोला, अपरेश सब लोग को ये लगा था ना कि नहीं लड़की होना चाहिए लड़की होना चाहिए, सबके मन में हम लोगों ने तो मतलब लड़कियों के कपड़े तक लेकर रखे, हम लोगों को लगा कि लड़की होगी क्योंकि और भी दो बेबीज हुए तो वो दोनों से अपना अपना एक्सपीरियंस कुछ और बताया, नहीं हाइफा को लड़की होगी लड़की होगी लड़की होगी और लड़का हो गया, हम लोग को ऐसा लगा कि अरे हाँ यार लड़की होना चाहिए लड़की होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर कपड़े तक लेकर आ गए थे, और देन उसके बाद हाँ उसके बाद जब मुझसे जा पर अपरेश बोला सच्ची में लड़का हुआ, मैं भरोसा नहीं हो रहा, भाई का रिएक्शन ये इसीलिए था बिकॉज भाई का ये था नहीं लड़की ही होगी डेफिनेटली लड़की होगी, और उसपे ये था मम्मी और भाई की शर्त लगी हुई थी कि अपरेश लड़का होगा, भाई बोलते नहीं मम्मी लड़की होगी देख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ लड़की होगी, और शर्त भी 500-500 की शर्त लगी थी, और जब होने के बाद में मम्मी अरे इतना खुश, मेरी मम्मी से ज्यादा कोई खुश नहीं था गाइज, और वो दिन पता चला यार मेरी मम्मी ने हम लोग को कितने दर्द से पैदा किए सच्ची में, लिटरली जब मैं ओटी से बाहर आई हूँ ना गाइज तो मुझे वो टाइम पे लगा कि हाँ मेरे को रोना आ रहा था, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ कि हाँ मम्मी ऐसा ऐसा अभी मुझे पेन हो रहा है ये वो है, मम्मी जब तक के आए हुए नहीं थे, तो आने के बाद मतलब मैं वो उसमें ही थी, अब मम्मी की इतनी खुशी मुझसे देखी नहीं गई, तो मैं बोली अरे यार मम्मी को अभी ये बोल के क्या परेशान करूँ, और वो टाइम पे मेरे मन में ये था मम्मी ने कितनी तकलीफ से मतलब हम लोग को पैदा किए है और मतलब कितना दर्द उठाया ये वो, तो उस दिन मुझे पता चला है गाइस। और गाइस प्लीज आप लोग अपनी माओ को परेशान मत करना, जो भी मतलब है माओ से गुस्सा मत हुआ करो, कुछ मतलब ऐसी बात मत बोलो जो माँ को बुरी लग जाए, बिकॉज माँ बहुत तकलीफ से पैदा करती है गाइस, बहुत ज्यादा मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज जी हूँ समझे, हर माँ जीती है, हर माँ जीती है, हर लड़की जीती है वो चीज, और अल्लाह हर लड़की को औलाद से नवाजे, अल्लाह हर लड़की को खुशी दे ये चीज की के मेरा बच्चा है ये है वो है, बहुत खुशी होती है गाइस। तो अब जब बुढ़ापे की शादी होगी तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मासी बनूंगी, मैं खाला बनूंगी, मैं अभी से हुदापी की अभी शादी नहीं हुई है गाइस लेकिन फिर भी मेरे को अभी से खुशी है, और मैंने तो सोच भी ली कि हुदापी का जब बेबी होएगा ना मैं मदर केयर में गई थी गाइस, और मैं लिटरली बोलू ना मैं मुस्तजाब के लिए वो टाइम पे ऐसा था ना मैं कहीं नहीं जाती थी, कुछ मेरे को नहीं आइडिया था, अब जब मुझे मुस्तजाब हो गया है तो गाइज मुझे आइडिया है, तो जब हुदापी की डिलीवरी होगी ना गाइज मैं आप लोग के साथ में एक एक मूवमेंट मेरा शेयर करूंगी गाइज, देखो अभी तो कुछ आता पता नहीं है, आता पता नहीं, और मैं आप लोग के साथ में ये चीज शेयर कर रही हूँ गाइज, तो सोचो ना जब वो चीज आएगी तो मैं कितनी खुश होंगी, तो गाइज मैंने ये चीज सोच के रखी हूँ कि हुदापी के बेबी को मैं क्या दूंगी, हुदापी के बेबी को मैं कॉर्ड दूंगी गाइज, मैंने देख के आई हूँ
और वो ना मेरी आंख में, एक मिनट, वो जो मेरी आंख में ना वो फोटो ना बैठ गई है जो मुझे लेना है गाइस। तो जब मैं लूंगी ना, जब भी आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगी, अभी तो नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास में फोटो नहीं है। आप लोग ने मेरे व्लॉग में देखे होंगे, मैं गई थी ग्रैंड सेंट्रल मॉल, तो वहां पे मैं गई थी, कहाँ गए थे अपन, मदर केयर में था वो मदर केयर में, तो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी हूँ गाइस। तो उसी चीज की मैं बात करी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी से अल्लाह शादी हो जाए इसकी और पापा आ जाए, मैं खाला बन जाऊंगी। सो गाइस, आपको मैंने ही देखी थी। हाँ, सबसे नहीं, मैंने भी देखी थी, मैंने लेकिन मैंने उसका फेस नहीं देखी थी, मैंने देखी थी उसको, इतनी सी ट्रे में लेकर आए थे छोटा सा, ऐसे करके एकदम सुकुड़ के लेटा और पलटी लेटा, उल्टा लेटा हुआ था वो, दिख रही थी मतलब शक्ल एकदम अच्छे से नहीं दिख रही थी, लेकिन मैंने उसको देखी फिर भी। डॉक्टर ने बताया नहीं थी लड़का हुआ है, थोड़ी देर के बाद मैंने लेकिन उसको मुझे देख के लगा कि वो लड़का ही है, फिर थोड़ी देर के बाद मैं डॉक्टर से वापस कंफर्म करने के लिए, बिकॉज सबको बोलना था ना कॉल करके कि अरे आ जाओ ये वो। और गाइस वो होने के बाद भी दो ढाई घंटे के बाद सब आए थे, लेकिन बेबी नहीं आया था हमारे पास में, बेबी बहुत देर के बाद आया था, मैं बेड पे आके लेट गई थी ना, तो हॉस्पिटल बोल रहे थे नहीं, वैसे तो हर बेबीज को रखते हैं, इतनी देर में नहीं लेकर आए थे, नहीं रखते हैं बेबी। अच्छा हाँ, उसका बेबी नहीं रखे थे ना अपने सामने, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, और गाइस सही में ऐसा है ना, ये मैं तो आपको वो टाइम वापिस से जी रही हूँ गाइस, मैं आप लोगों के साथ में मैं वो टाइम वापिस से जी रही हूँ। और एक चीज गाइस, मैं एक क्लिप और एड करूंगी इसमें, मम्मी की वीडियो गाइस, मम्मी जाने के लिए रेडी ही नहीं थे मेरे पास से, नहीं मैं जाऊंगी नहीं, मुझे मेरी बेटी के पास रहने का है, मम्मी को, वरना हुदापी का ये हाल था तो मम्मी का क्या होता गाइस, क्या होता। मम्मी मुझे मम्मी ना अपने, खैर कोई भी मम्मी हो तो अपने कोई भी बच्चे को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल में मम्मी इसको रखते ही नहीं है शायद, ऐसा कुछ नहीं है रखते, लेकिन अपनी मम्मी अच्छा हुआ नहीं रुकी क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा डरते हैं और इमोशनल बहुत ज्यादा। मैं आप लोग के साथ में वो क्लिप ऐड करूंगी जिसमें मम्मी बहुत रो रहे थे, नहीं मुझे मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है, मुझे इधर ही रहना है, मुझे अब्रेश घर पे लेके मत चल, ये वाली क्लिप बोली थी। देखना चलो अभी करते मेरे पास उसी के पास चाहिए, खुद रोने में बोले दे रुक, ये जबरदस्ती तू लेके जा मम्मी, मम्मी को, मम्मी यहाँ रुकेगा ना तो बोलते नहीं अपने पद में 3 दिन का टाइम है, आराम से दर्द हो रहा ना, आराम से कोई बात नहीं, अपने पास 3 दिन का टाइम है हॉस्पिटल का। टाइम का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे ना वो 3 दिन अब हम लोग रह सकते हैं, मतलब 3 दिन का डे, 3 दिन है ना अपने आराम से करना गाइज। लेकिन नहीं, मैं 2 दिन और 3 रात पेन में थी गाइज, इतना पेन, और मैं सबको बोल रही हूँ लोका हो जा रहा है मेरा, क्यों नहीं हो रहा है, अल्लाह जल्दी से हो जाए, बस अल्लाह से यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक अच्छे से हो जाए, मेरा बेबी हेल्दी रहे, बस और कुछ नहीं। खैर अभी बहुत ज्यादा इमोशन शेयर हो गए, तो भाई मुझे पता नहीं था तो इतनी बड़ी बात हम लोग से छुपाया, रहे मुझे भी नहीं पता था दोनों, और इन दोनों ये देखो कैसा बैठे और कैसा हंस रहे, देखो बेशरम, शर्म तो है ही नहीं, ये देखो वाली बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है, गलत किए तुम दोनों ने, बहुत गलत किया, बताना चाहिए ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपको भी देखना है कौन सी बात है तो फोकट के चैनल, तो 8 बजे आएगा गाइस, 8 बजे जल्दी से चैनल चेकआउट करो गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन, अल्लाह हाफिज़। अच्छा।